दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे अपना और अपनी फैमिली का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, और आप भी मेरी फैमिली हैं तो आप अपना भी ख्याल बहुत अच्छे से रखिए। सो गाइज, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट नहीं कर सकते, इस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं, कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो से। तो वीडियो का टाइटल है श्री गुरु रामदास जी के जीवन की 30 ऐसी बातें जो शायद ही हमने कभी सुनी होंगी। तो चलिए फिर जानते हैं उनके जीवन की 30 बातें। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे करिए प्रेस, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज मैं आपको गुरु नानक जी की चौथी जोत श्री गुरु रामदास जी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, सेवा से भरा हुआ है और मानव कल्याण से भरा हुआ है। तो आइए मिलकर श्री गुरु रामदास जी के चरणों में शीश झुकाएं और उनके जीवन में से खुद के जीवन को रोशन करें। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश यानी जन्म लाहौर शहर में सितंबर 1534 में हुआ था। लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है। उनके माताजी का नाम माता दया कौर जी था और पिताजी का नाम हरिदास था, जो कि एक छोटी दुकान चलाकर घर का गुजारा करते थे। वह एक ईमानदार और मेहनती परिवार था। संगत जी, आपको पता होगा कि गुरु रामदास जी के बचपन का नाम भाई जेठा था। पंजाबी में जेठा का अर्थ होता है जो घर में पहली संतान हो, उसे जेठा कहते हैं। तो गुरु रामदास जी घर में पहला बच्चा था, इसलिए उन्हें जेठा जेठा कहकर सभी गांव वाले पुकारते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि भाई जेठा जी अभी केवल 7 साल के थे जब उनके माता पिता एक एक करके एक ही साल के अंदर रब को प्यारे हो गए, और भाई जेठा यानी गुरु रामदास जी छोटी सी उम्र में ही यतीम हो गए। ना कोई बड़ा भाई था, ना बहन थी, और घर में भी गरीबी थी, कोई संभालने वाला भी नहीं। खुद एक भगवान थे और उनको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भाई जेठा जी की नानी जो अभी जिंदा थी, बुजुर्ग थी, मैं उसे अपने साथ लाहौर से बासर के लिए। संगत जी, बासर के अमृतसर में पड़ता है, लेकिन उस वक्त जो अमृतसर अभी शहर है वो अभी नहीं बना था। उसके नेम भी आगे जाकर श्री गुरु रामदास जी ने रखी थी, लेकिन इस वक्त वह अमृतसर शहर नहीं था, केवल एक बासर के गांव था। वहां पर अपने नानी जी के साथ वहां पहुंचे। बासर के गांव की एक और खासियत है कि वह श्री गुरु अमरदास जी का जन्म स्थान है। गुरु अमरदास जी जो कि अभी गुरु नहीं बने थे, वह दूसरे गुरु जो कि श्री गुरु अंगद जी हैं, उनकी सेवा करते थे, उनकी आज्ञा में रहते थे। तो गुरु अमरदास जी को भी जब इस घटना का पता चला तो वह भी छोटे बच्चे भाई जेठा जी से मिलने आए और उन्हें दिलासा दिया और हर तरह की सहायता करने का भी इकरार किया। भाई जेठा जी ने नानी जी से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन थे, तो नानी जी ने कहा कि ये बुजुर्ग अमरदास है जो खडूर साहब में एक नगर बसा रहे हैं, वहां काम करते हैं, वहां अपने गुरु के पास रहते हैं, वह कभी कभार गांव में आते हैं। इनके यहां पैदा होने से पूरे गांव में चहल पहल बनी रहती है, ये हमारे गांव के बहुत ही खास हैं। भाई जेठा जी ने पूरी कहानी को बहुत ही प्यार से सुना। संगत जी, अब गांव में तो आ गए लेकिन घर में कमाई का कोई साधन ना था, तो नानी जी ने उस छोटे बच्चे से कहा कि अगर तुम थोड़ा वक्त काम करो तो हम दोनों का गुजारा बहुत ही अच्छा चल सकता है। तो भाई जेठा जी ने कहा कि जैसे आप कहें नानी जी, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, मुझे इसमें खुशी मिलेगी। तो नानी भाई जेठा जी को चने उबाल कर देती और भाई जेठा जी उसे गली गली गांव गांव जाकर बेचता और दोनों का गुजारा इस तरह चलने लगा। जब कभी गुरु अमरदास जी उसे देखते तो बहुत खुश होते थे कि इस छोटे से बच्चे ने कैसे पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लिया। उधर दूसरे गुरु साहब ने आसपास के गांव को और विकसित करने के इरादे से गुरु अमरदास जी को गोइंदवाल साहिब भेजा और
वहां गांव के विकास के लिए काम करने के लिए कहा और साथ में गुरबानी का प्रचार भी करने के लिए आदेश दिया। तो गुरु अमरदास जी ने वहां जाने की तैयारी की। गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी को भी कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, वहां पर काफी काम चलने वाला है, अगर तुम वहां आओगे तो तुम्हारा काम वहां पर अच्छा चल सकता है। तो नानी और भाई जेठा दोनों 1546 में गोइंदवाल साहब पहुंचे। गोइंदवाल साहब में ही भाई जेठा जी ने दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद साहब जी के दर्शन भी किए। भाई जेठा जी ने वहां रहकर काम भी किया और सुबह शाम सत्संगत भी की। इसी बीच श्री गुरु अमरदास जी को 1552 में गुरुगद्दी मिली। दूसरी तरफ भाई जेठा जी अब जवान हो चुके थे और उनका मन अब गुरु के चरणों में बहुत लगने लगा था। वे चने भी बेचते थे, सेवा भी करते थे और पाठ भी करते थे। उनके अच्छे स्वभाव ने सभी के मन को मोह लिया था। एक दिन श्री गुरु अमरदास जी की पत्नी ने कहा कि हमारी बच्ची अब जवान हो गई, इसकी शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए। तो गुरु साहब ने कहा कि कैसा लड़का चाहिए। तो उस वक्त उनकी नजर भाई जेठा जी पर पड़ी जो सेवा कर रहे थे। तो कहा कि लड़का हो तो इस जैसा हो, इस लड़के में सभी गुण मौजूद है। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि इस जैसा तो केवल यही है, इस जहान में इस जैसा दूसरा कोई नहीं। संगत जी, आज भी अगर कोई यतीम हो तो उससे रिश्ता करने में लोग 100 बार सोचते हैं, मगर गुरु अमरदास जी ने एक बार भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहा, क्योंकि गुरु साहब ने उसकी जायदाद या परिवार नहीं देखा बल्कि उसके गुण देखे। उन्होंने देखा कि इसके साथ हमारी बच्ची खुश रह सकती है। 1553 में गुरु रामदास जी का अनंत कार्य बीबी भानी जी के साथ गोइंदवाल साहब में बड़ी ही धूमधाम से हुआ। अनंत कार्य के बाद गुरु अमरदास जी जब प्रचार करने के लिए यात्रा पर निकले तो वह भाई रामदास जी को भी अपने साथ प्रचार दौरे पर ले गए। वह कुरुक्षेत्र से होते हुए कई जगहों पर गए और सच का प्रचार किया। इस प्रचार में जात पात के बंधनों से आजादी की बात की, सच्चे तीर्थ की बात की, सच्ची भक्ति की बात की, प्रेमा भक्ति की बात की और अनेकों ही पहलुओं पर बात की, विचार विमर्श किए। और गुरु रामदास जी ने भी इसी दौरान बहुत कुछ सीखा और अपने ज्ञान को और बढ़ाया। इसके साथ ही संगत जी, जात पात को खत्म करने के लिए गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब में बौली मनाने का काम शुरू किया। उस वक्त क्या था कि बड़े बड़े जो लोग थे उनके अपने कुएं होते थे, पानी के कुएं होते थे, पर उस पर छोटे लोग पानी नहीं पी सकते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता था। जात पात छूत छात मानी जाती थी। मैंने भी सुना है, मतलब। तो गुरु साहब ने एक ऐसी बौली तैयार करवाने का काम शुरू किया जिसमें हर कोई पानी पी सकता था। ये बहुत ही बड़ा कार्य था, इसका बहुत विरोध भी हुआ, मगर गुरु साहब ने इसे पूरा करके छोड़ा और समाज में भाईचारा का संदेश दिया। इस कार्य को पूरा करने में गुरु रामदास जी ने भी बहुत योगदान डाला। कुछ लोग गुरु रामदास जी का मजाक भी उड़ाते थे कि ये कैसा गुरु अमरदास जी का जमाई राजा है जो उसके घर में रहकर उसी के घर में सेवा कर रहा है। मगर गुरु रामदास जी को इन सब बातों से कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह गुरु अमरदास जी को गुरु जानकर सेवा कर रहे थे, ना कि ससुर जानकर। बिल्कुल। संगत जी, गुरु अमरदास जी के लंगर और पानी की सेवा ने जहाँ एक तरफ जात पात को खत्म किया, सबको बराबरता दिलाई, परंतु दूसरी तरफ कुछ बड़ी जात वाले लोगों ने मुस्लिम बादशाह अकबर के कान भरने शुरू किए कि इन गुरु की वजह से एक तो हमारा हिंदू धर्म खतरे में है और दूसरा वे आपके धर्म के बारे में भी गलत बोलते हैं। तो अकबर ने सारी बात का समाधान करने के लिए गुरु अमरदास जी को दरबार में बुलाया गया। तो संगत जी, अकबर को सच बताने के लिए गुरु अमरदास जी खुद नहीं गए, उन्होंने भाई जेठा जी यानी गुरु रामदास जी को अकबर के पास भेजने का निर्णय लिया। गुरु अमरदास जी जानते थे कि अब रामदास पूरी तरह से तैयार है, वह सेवा सिमरन ज्ञान ध्यान और हर तरह से संपूर्ण है। तो गुरु रामदास जी उस वक्त 33 साल के थे। वह वहां पहुंचे और अकबर के दरबार में जाकर पूरी बात को समझाया कि हम तो प्यार बांट रहे हैं,
जाति पाति को खत्म करके एक मानवता का संदेश दे रहे हैं। एक सच्चा हिंदू कैसा हो, एक सच्चा मुस्लिम कैसा हो, इसका प्रचार कर रहे हैं। गुरु अब ने पूरी बात खुलकर बताई तो अकबर बहुत ही खुश हुआ। उसने दरखास्त जो कुछ लोगों ने दी थी उसे रद्द कर दिया और बहुत इज्जत से गुरु रामदास जी को भेजा और कहा कि मैं खुद गुरु अमरदास जी के दरबार में हाजिर होना चाहता हूँ, जहाँ पर ऐसी अच्छी शिक्षा दी जाती है। 1571 में अकबर गोइंदवाल साहब गुरु अमरदास जी के दर्शन करने के लिए आए, मगर गुरु अमरदास जी का आदेश था कि जिसने भी मुझसे मिलना है तो पहले पंगत में बैठकर लंगर छक कर आए। तो अकबर पहले तो हिचकिचाया कि मैं गरीब लोगों के साथ कैसे बैठूं, मगर उसे गुरु साहब से मिलना था तो इसलिए वह लंगर में बैठा और वहां बैठकर उसने जाना कि असल में इंसानियत क्या होती है। और वहां के लंगर की उसने बाद में बहुत ही तारीफ की और उसके बाद उसने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए। तो संगत जी, उसके बाद गुरु रामदास जी लगातार वहां रहकर गुरु अमरदास जी के पास सेवा करते रहे, ज्ञान प्राप्त करते रहे। गुरु अमरदास जी ने भी गुरु रामदास जी को इन तकरीबन 30 सालों में बड़ी ही अच्छी तरह परख लिया था और जान लिया था कि रामदास अब गुरु बनने के लायक है, मेरे बाद अब यही गुरु की गद्दी का असल वारिस है। गुरु अमरदास जी ने उनकी कई बार परीक्षा भी ली जिसमें वह हमेशा पास हुए। तो गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को 1574 में गुरुगद्दी दी और गुरु नानक की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कहा। गुरु अमरदास जी का एक सपना था कि धर्म और व्यापार के लिए पंजाब में एक बड़ा कोई स्थान जरूर कायम होना चाहिए। जैसे गुरु नानक जी ने करतारपुर साहब बसाया, गुरु अंगद जी ने खंडूर साहब बसाया, गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब बसाया। इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरु रामदास जी ने भी अमृतसर शहर बसाया। क्या बात, इसका नाम उस वक्त गुरु का चक्र रखा गया था। उन्होंने कुछ गांव की जमीन जो उस वक्त खाली पड़ी थी उसे 700 अकबरी रुपए में गुरु रामदास जी ने खरीदा और वहां पर सबसे पहले उन्होंने एक सरोवर तैयार किया ताकि जो पानी की समस्या है वहां पर ना आए और उसका नाम रखा संतोख सर। तो इस तरह अमृतसर शहर की नींव रखी गई और यहां से अमृतसर शहर बनना शुरू हुआ। संगत जी, अमृतसर जिसे गुरु का चक कहा जाता था, गुरु साहब ने यहाँ पर रोजगार शुरू किया, अच्छे मकान बनाए, मंडियां बनाई और बहुत सारा व्यापार का काम भी यहाँ से शुरू करने के लिए बंदोबस्त किया गया। जब जहाँ बाजार लगने लगे, मंडियां लगने लगी तो इसे गुरु का बाजार भी कहा जाने लगा और धीरे धीरे इसे रामदासपुर भी कहा जाने लगा और बाद में श्री अमृतसर साहिब। गुरु रामदास जी ने गुरु साहब के संदेशों को हर देश और प्रांत में पहुंचाने के लिए 22 मसंद भी रखे थे। मसंद का अर्थ है सरदार जी या भला पुरुष। वह मसंद नगर नगर जाकर गुरु नानक जी के संदेशों का प्रचार करते थे। गुरु रामदास जी ने दसवंध की प्रथा भी चलाई कि हर व्यक्ति अपनी कमाई में से 10% निकाल कर भले कार्य पर जरूर लगाए ता जो हर व्यक्ति भलाई के काम में जुटा रहे और गरीबों बेसहारों व धर्म के कामों में पैसे का सही उपयोग हो सके। गुरु रामदास जी ने सिक्कों में कुछ रहत मर्यादा भी कायम की, जैसे कि सिख का प्रतिदिन कैसा हो। जैसे कि गुरबानी में उन्होंने फरमाया है कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम से उदम करे पल के परबाती स्नान करे अमृतसर नावे। कि हर सिख का फर्ज है वो सुबह उठे, मालक का नाम ले और काम काज करते हुए हर वक्त उसके साथ जुड़ा रहे। गुरु रामदास जी ने अपनी वाणी में 4 फेरों के बारे में भी लिखा जो विवाह में लिए जाते हैं, जिन्हें पंजाबी में लावा भी कहते हैं। ये वाणी आध्यात्मिक तौर पर लिखी हुई है पर इसे आनंद कारज के दौरान भी पढ़ा जाता है। ये अमूल्य दात भी श्री गुरु रामदास जी की देन है।
श्री गुरु रामदास जी को संगीत से भी बहुत प्रेम था और जैसे राग यथार्थ वाणी को सभी गुरु साहिबान ने लिखा और गाया, वैसे ही गुरु रामदास जी ने भी बहुत सी वाणी रागों के आधारित लिखी। जैसे कि आपको पता है कि गुरु नानक जी ने 19 रागों में वाणी लिखी, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा रागों में वाणी को लिखने वाले गुरु रामदास जी बने। गुरु रामदास जी ने 30 रागों में वाणी को लिखा, गाया और प्रचारा। इससे पता चलता था कि वह कितने संगीत के प्रेमी थे। श्री गुरु रामदास जी के तकरीबन 635 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं, जिनमें बहुत ही अमूल्य प्रभु गुरुओं का खजाना भरा पड़ा है। संगत जी, गुरु रामदास जी के घर 3 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें पृथ्वीचंद 1558 में पैदा हुए, महादेव 1560 में पैदा हुए और अर्जुन देव 1563 में पैदा हुए, जो के गुरु रामदास जी के बाद गुरु बने। गुरु अर्जुन जी बचपन से ही अपने नाना यानी गुरु अमरदास जी के पास रहते थे, उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा। गुरु पिता गुरु रामदास जी के साथ हर काम में हाथ बटाते थे और साथ में हर तरह की विद्या सीखी, ना केवल भाषाई बल्कि संगीतक विद्या भी सीखी। और गुरु रामदास जी द्वारा चलाए अमृतसर शहर को भी गुरु अर्जुन पाशा जी ने पूरा किया था। इतने सारे गुण होने के कारण ही गुरु रामदास जी ने अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जुन साहब जी को गुरुगद्दी सौंपी, जिनको शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। तो संगत जी, गुरु रामदास जी का जीवन जो कि बहुत ही संघर्ष से भरा है, उनका जीवन जब आप पूरा पढ़ोगे तो आप में खुद ब खुद विनम्रता और समाज की भलाई के लिए मन में उमंग पैदा होगी और गुरु के प्रति प्रेम भी पैदा होगा। तो संगत जी, गुरु रामदास 1581 में गुरु अर्जुन साहब जी को गुरु की पदवी देकर ज्योति ज्योत समा गए। तो ये था गुरु रामदास जी के जीवन में से कुछ अंश। ये अंश केवल तिनका मात्र है, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही महान है जो किसी भी वीडियो में पूरा नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर आप उनसे बातें करना चाहते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं, उनकी वाणी जो हमारे पास है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, उसे पढ़ सकते हैं। वे वाणी के रूप में हमेशा हमारे साथ। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों को मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्य है हमारे गुरु रामदास जी और धन्य है हम सब जिनको आज उनके बारे में कुछ अंश, जैसे उन्होंने बताया कितना महान जीवन था उनका, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना आत्मसम्मान भरा जीवन था उनका कि हम उसके बारे में एक अंश के बराबर ही जान सकते हैं, क्योंकि पूरे जो ज्ञान है जिनके बारे में पूरी डिटेल से, वो शायद ही किसी को पता हो, और जिनको पता है वो भी पूरी कैसे पता है उनको खुद नहीं पता। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, जब वो भगवान होकर दुखों से नहीं बचे तो हम सब कैसे दुखों से बच सकते हैं। वो तो एक भगवान ने सोची, उनकी भी 7 साल में किसी के माँ बाप को गुजर जाना, फिर 7 साल की उम्र सोचते हैं अब क्या होता है। एक जो हम लोग के घर का बच्चा होता है ना 7 साल का, तो वो एक अपने जो खिलौने होते हैं ना उनसे भी इतना प्यार करता है कि उसे उनको भी छोड़ने का मन नहीं होता उस एज में। और सोचिए उस पर, उस समय उनके घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई, तो कितना उनके लिए कितना दर्दनाक रहा होगा ये चीज़। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले उसके, जब वो उसको कुछ भी तकलीफ़ होती है तो सबसे पहला जो वर्ड होता है वो माँ निकालता है और अपनी माँ से जाके बताता है, माँ मुझे यहाँ चोट लगी या मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। और उस समय उनके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं था, केवल था तो उनकी नानी। तो बहुत स्ट्रगल था उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते हैं ना कि वो जब भगवान थे, सोचिए तो उनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई। और हम सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में घबरा जाते हैं, यार मेरे पास इतनी ज़्यादा परेशानी है, सारा भगवान ने दुख हम ही को दे रखा है, ऐसे ऐसे करके हम सब अपने आपस में बड़बड़ाते हैं। बट जब इनकी कहानी सुनी मैंने तो हमें लगा, यार जब उनके ऊपर दुख आ सकता है तो हम क्या चीज़ हैं यार। और साथ में इनके बलिदान, जो उन्होंने हम लोगों के लिए बलिदान दिए ना, बहुत महान थे। हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते यार, कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि ना हम इस वीडियो पे, और इतनी हमारी हैसियत है कि हम उनके बारे में कुछ बताएं। तो
बस उम्मीद है और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल बहुत अच्छे से रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।